एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ, करता हूँ आप भी बढ़िया होंगे। सो फिलहाल जो है हमारा सडन प्लान बना था रात में, और हम लोग सुबह में अब चल रहे हैं, सुबह नहीं ऑलमोस्ट दोपहर हुए, क्योंकि सुबह में हम लोग गए थे अभी वोटिंग डालने के लिए, वोट डालने के लिए, वोटिंग हुई थी आज तो वोट डालने के लिए गए थे। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं इमरान भाई के साथ में अमरोहा। तो जी अमरोहा चलते हैं और दिखाते हैं आपको जैसा भी रहेगा, तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे। नुमान भाई भी चल रहे हैं हमारे साथ, इसे साइड करते हैं नुमान भाई। अभी हम लोग जा रहे हैं निज़ामुद्दीन, मतलब पहले जा रहे हैं, पहले निज़ामुद्दीन जा रहे हैं, वहाँ से कुछ सामान लेना है, वो लेकर फिर निकलेंगे हम लोग। नू भाई हमारे साथ में देखो बैठा हुआ है, अब मायरा भी है कि मेरे साथ में। क्या कर रही है मायरा? खिड़की के बाहर देख रही है क्या? हेलो बोल रहा है वो। हेलो मायरा, अपना ही नाम ले रही है गंदी बच्ची। सो मैं निज़ामुद्दीन, मतलब हम लोग निज़ामुद्दीन आ गए, तो वो भाई ने गाड़ी कर ली बाहर खड़ी, पेट्रोल डलवा रहे थे, तो वो डलवा रहे इतने पेट्रोल, और हम चल रहे हैं बाजी के घर से। एक पैकेट रखा हुआ है, शायद बैग है या पैकेट है, जो भी है वो लेकर आते हैं, फटाफट से चलते हैं। इतने भाई जो हैं बाहर पेट्रोल पंप पर हैं, वो पेट्रोल डलवा रहे हैं, मतलब मेन रोड पर ही है, तो मैं जाके जल्दी से वो ले कर आता हूँ, और फटाफट से चलते हैं ऊपर। घर तो लॉक है, ठीक है, पैकेट मिल गया। सो जी चलो, पैकेट तो मिल गया, सामान आ गया, अब चल के बैठते हैं और चलते हैं। लोग निकल गए हैं अभी निज़ामुद्दीन से, मतलब निज़ामुद्दीन में ही अभी, तो ये लेफ्ट में जाके, अरे एक मिनट ये बैठिए मेरे साथ, लेफ्ट में जाके यहाँ पर निज़ामुद्दीन दरगाह है। तो फिलहाल देखो क्या मक्खन रोड चल रहा है, और स्पीड ऑलमोस्ट 120 नहीं है, 110 चल रही है, 110, और ना तो कोई वाइब्रेशन ना कोई गड्ढा, ये फिलहाल हल्के बहुत आते रहते हैं, तो खैर। लेकिन अभी हम पहुंचने वाले हैं गाज़ियाबाद के पास, जैसा कि रोड वगैरह दिख रहे हैं तो पहुंच ही गए हैं, मतलब गाज़ियाबाद में ही अभी हम चल रहे हैं, और अपना साफ़ सुथरा हाईवे। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम निकले थे दोपहर को, तकरीबन 2:30 बजे करीब निकले थे, तो हमें जाम नहीं मिला था, और हम चल रहे हैं मुरादाबाद की साइड, 131 किलोमीटर है, बट हमें उससे पहले अमरोहा जाना है, तो वो तो उससे पहले ही है। सो ये स्पीड आएगी, तो भैया अभी जहाँ पे स्पीड आता था वहाँ 100 हो जाती है, तो ये है। और साफ़ सुथरा है, मौसम ठीक है, और खाली रोड है, सबसे अच्छा तो ये है ना कि खाली रोड है, और आजकल यहाँ पे खाली रोड बना है, क्योंकि देखो चौड़ा है ना, कुछ भैया ऐसे भी हैं जो उड़ाते हुए लेके जाते हैं, तो इतनी जल्दी तो नहीं है हमें, खैर। और चौड़ा रोड है तो बिंदास हो गए, टेंशन फ्री हो गया, आराम से चल रहे हैं, तो चलते हैं अभी, देखते हैं आगे का कैसा रहेगा। बाकी रोड जो है काफ़ी अच्छा हो गया अमरोहा का, पिछले कह सकते हैं आप 6-7 साल में तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, और साइड से एकदम बैरिकेड हैं, तो कोई टेंशन भी नहीं है, फिलहाल तो ऊपर हैं फ्लाईओवर में, बट अगर नीचे भी है तो साइड से वो पूरी बाउंड्रीज वगैरह हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है ना बीच में वो कुत्ते भैंस वगैरह आ जाते हैं, या फिर कोई एकदम से बाइक लेके आ जाता है, तो वो रिस्की रहता है। तो देख सकते हो आप दूर तक एकदम साफ सुथरा दिख रहा है, तो सही है। तो हमें लेना है हापुड़ वाला रोड, तो ये है, वो मेरठ वाला है, तो ये बाहर से हो जाता है ना, तो अभी हम यहाँ से चलेंगे सीधा सीधा। ये देखो टोल प्लाजा पे उल्टा रास्ते में ट्रक लेके आ रहे हैं, तो हमारा पहला टोल आ गया, मतलब निकलने के बाद दिल्ली से। ये रोड, मतलब ये टोल जो है, इस रोड पे दो पड़ते हैं हमारे टोल, तो ये तो पहला है, और शायद सेकंड वाला मिले ना मिले तो पता नहीं, क्योंकि बीच में से हमारा रोड पहले कट सकता है। सो ये है, नहीं हाँ मिलेगा, आगे मिलेगा वो, तो अभी हम चल रहे हैं, तो खाली पड़ा है, मतलब पीछे से तो जाम लग रहा था, क्योंकि वो ट्रक वाले भाई उल्टा लेके आ रहे थे, तो अभी यहाँ से हम करेंगे बाहर 6-7, खाली है, चलो कोई नहीं, निकल जाएंगे किसी में से भी, किसी में से निकल जाएंगे। खुल गया, मुझे तो लगा था बंद ही रहेगा। चलो जी निकल गए हम। कुरान भाई कह रहे हैं कुछ गाड़ी में आवाज़ आ रही है, लगता है कुछ नीचे अड़ रहा है या फंस रहा है, कुछ देखते हैं, चल के देखें बाहर। कुछ अड़ रहा है, देखा था तो गाड़ी में ऐसा कुछ था तो नहीं, नीचे लगा हुआ वगैरह, या जैसे उड़ जाता है ना कुछ पन्नी वगैरह अड़ जाती है, तो
कुछ थी हल्की बहुत आवाज़, तो अभी तो नहीं है। खैर तो चल रहे हैं आगे। हम यहाँ से रह गए अमरोहा 96 किलोमीटर, तो हमने तकरीबन कितना 50 किलोमीटर लगभग कर लिया है क्रॉस, 50 से ज़्यादा ही हो गया। तो बस आधा रास्ता बचा है और चल रहे हैं। और हमारे पीछे बैठे हैं दो लोग, इमरान है, माहिर सो गई है और बच्चा भी बैठा है। तो अभी चल रहे हैं। अभी चाचा का फोन आया, तो बात कर रहे हैं। सर्दी हो रही है बहुत तेज। अच्छा यूके चला गया था तो कपड़े लाना भूल गए। कोरा हो रहा है, कोरा है, बहुत ज्यादा कोरा है यार यहाँ तो। बताओ बहुत ज्यादा कोरा है सर। हाँ यार जैसे जयपुर में है ना, अपना जयपुर जा रहे हैं। जयपुर तो मनाली के पास चंडीगढ़ है। हाँ चंडीगढ़ चीज देखो तो थार ऊपर से इसका नंबर क्या बात है। लेंगे कोई बात नहीं। और गाड़ी चल रही है मतलब 100 की स्पीड पे चल रही है। और ये देखो कौन सी यूपी रोडवेज की गाड़ी देख रहा है। और अली भाई लिखा है वो पाए तो आपका चल रही है। सही है ओ भाई साहब क्या भगा देख रहा ओ ओवरटेक अली भाई बस चला रहे हैं। अली भाई की बस चल रही है यहाँ पे हमारे नाम की भाई साहब। यूपी 23 है पाशा। हाँ यार यूपी 23 हम रॉकी गाड़ी है पाशा। ये देख रहे हो भगाता हुआ लेके जा रहा है। बताओ हमारी देखो 120 बड़ा गंदा भगाते हैं। एक तो यूपी रोडवेज हो गया और मतलब जो भी रोडवेज वाले हो गए ध्यान से चलो क्योंकि इनसे पंगा लेना तो अपना नुकसान है, सीधी बात है। तो आप या तो इनसे आगे निकाल। सो हम लोग पहुंच गए हैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए क्योंकि यार हम लोग ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर तो हो गया होगा, कवर ज़्यादा ही हो गया बल्कि। तो हम लोग रुके हैं शिवा ढाबा पर, ये नया बनाया बता रहे हैं, काफ़ी अच्छा बनाया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर, बादल चूरन भी है। तो चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पर आके हल्के हो जाते हैं। उसने गुरखा और अंदर पूरा ढाबा भी बना हुआ है और बाकी सारी शॉप दिखी रही है आपको, फालूदा कुल्फ़ी आइसक्रीम वगैरह सभी है, जैन चिकन जी, फुल पार्किंग वगैरह और अपना अंदर रेस्टोरेंट भी रखा है काफ़ी अच्छा करके बाथरूम में। ये यहाँ से है पूरा जाली वाली लगा के एकदम फर्स्ट क्लास, शीशे वीशे खींचो फोटो दबा के। अब चलते हैं बाहर वहाँ पर अपना चाय वाय पीते हैं और निकलते हैं। नहीं पिएगा मुझे लग रहा है उसके लिए वो ले लो। सो ये है इनका यहाँ का रेस्टोरेंट और यहाँ सब चीज़ मिलती है। ये इनका किचन चल रहा है ऑलमोस्ट लाइव ही समझो। आगे इनसे पर्ची लो और फिर ये निकाल के देंगे जी आपकी चाय, और लेना चाहो तो आप पकौड़े। तो ये है भी खा के दिखा सकते हैं सारी चीज़ में मिक्स यहाँ पर मिक्स बस जो थी ना स्पेशली जो रुकते हैं यहाँ पर वो कुल्लड़ वाली चाय के लिए इनकी, तो वो है काफ़ी अच्छी होगा। क्यों हमारी हमारी थोड़ी ना कह रहा है कोई? हाँ, अबे वो कह रहा था कि हमारी नहीं है। हाँ, क्यों अबे हमारे लगे हो तो यार क्या? इसने पूछ लिया कहने लगा ये लेने हैं, उन्होंने मना कर दिया। फिर हमने लिए यहाँ की एकदम कड़क स्पेशल चाय ढाबे पे और हैं पकौड़े चटनी के साथ में, खाकर फिर हम लोग चलेंगे अभी बच्चे। ठीक है ना भाई साहब, चाय सच में एक नंबर है यहाँ पर। हम ना कुछ खाने के लिए हमें रेस्ट के लिए नहीं भी रुकना होता, बस चाय के लिए ज़रूर रुक जाता हूँ, बट तो काफ़ी अच्छा है। ऊपर से खा लो पहले, पीछे हो जाओ वो देखो वो आएगा। काफ़ी सही साफ कर रहे हैं भैया हमें। फ्रूट्स में और सब भी लगा हुआ है उधर, इधर ये ड्राई फ्रूट भी लगा हुआ है। और मतलब दिसंबर चल रहा है और आम रखे हुए हैं वहाँ, आम ले लो भाई आके। सब चीज़ है यहाँ पर फ्रूट्स की, मतलब खजूर वगैरह तो सभी है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो आप आते हो यहाँ हाईवे से गुजरते हुए मुरादाबाद और मेरठ वाले हाईवे पे, मुरादाबाद वाले हाईवे पे सॉरी, तो हापुड़ वाले पे, तो ये वहाँ पर पड़ता है। तो बस चाय पी ली हमने, चलते हैं। ये देखो क्या कर रही है, क्या कर रही हो, जाओ उधर। तो अब चलते हैं बस 5 मिनट में। और काफ़ी अच्छा रहा हम लोग रुके यहाँ पर, पहले तो 5 मिनट के लिए रुके थे वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, लेकिन भैया यहाँ की चाय काफ़ी अच्छी है तो उसने हमें यहाँ पर रोक लिया। तो हमने यहाँ पर पी चाय और खाए थोड़े से पकोड़े, और अभी उल्टा दिख रहा है क्योंकि फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ। तो ये ढाबा पे रुके थे हम चाय पी और अब यहाँ से निकलते हैं।
सो हम लोग निकले ही थे शिवा ढाबे से और पता चला बाहर आ गया सेकंड हमारा टोल, ये है गढ़ वाला, यानी आगे हम चलेंगे तो बस गढ़गंगा आ जाती है, उसका जो फ्लाईओवर है मतलब क्रॉस करने का वो आ जाता है। 10 मिनट में ही हमें हमने क्रॉस करा टोल और हम पहुंच गए गढ़गंगा, यानी ये गढ़ का पुल है वो आगे से, मतलब ये पुल स्टार्ट हो गया है और वो इस सामने स्टेशन दिख रहा है, मतलब वो दिख रहा होगा ना आपको, हाँ वो मतलब उसका ट्रेन का है वो, और ये हम इस पर चल रहे हैं अपने रोड पर। ये देखो फिलहाल तो पानी वानी कुछ है नहीं इतना ज़्यादा, थोड़ा बहुत ही है क्योंकि बारिशों में काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक आ जाता है। और एक सबसे अच्छी बात ये हुई रखी है कि ना पहले वो जो साइड में दिख रहा है राइट साइड में ना, उससे क्या था आना और जाना उसी वाला अब बना है, तो उस पर तो ऐसा था कि घंटों घंटों जाम में आप फंसे रहो, जो दिख रहा होगा गाड़ी उधर पार उससे निकलती है ना, ऐसे ट्रक निकल रहा है तो वहीं से था। अब ये बन गया तो डबल रोड से कम से कम ये फ़ायदा ना कि आप उधर से आ रहा है एक जा रहा है, तो ना तो जाम लग रहा है और ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है, क्योंकि पहले क्या था पहले उधर से आना उधर से जाना तो कई बार ऐसा हुआ एक्सीडेंट हो जाते थे, तो अब तो काफ़ी ठीक है। तो इसकी हम इनसे बचते हुए चल रहे हैं, अभी आपने पीछे देखा था वो 110 पे भी ओवरटेक करता हुआ निकल रहा था वो। और ये मायरा मेरे साथ बैठी हुई आगे, इधर अपना मुँह दिखाना ज़रा। चलो जी ये आया एक बोर्ड दिखा दूँ, शायद इसमें लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, खैर नैनीताल का लिखा हुआ है, जिसे जाना हो चले आना, 206 किलोमीटर है यहाँ से ही, तो चल रहे हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं, मतलब अब मेन हाईवे से जो है हमें अंदर कटना है अमरोहा की साइड, तो ये 88 वाला रोड कहलाता है, और ये फ्लाईओवर पे हमें नहीं चढ़ना था, अगर चढ़ जाते तो फिर आगे जाते, फिर वहाँ से यू टर्न करके आना पड़ता या दूसरे रोड से जाना पड़ता। सो अब यहाँ से हम हो रहे हैं एंटर। हाँ नहीं ठीक है, देखो इतने से बच्चे मेरा सही लग रहा है ना, देखो कैसे ओवरटेक करके आया, रुक जा, ये देखो किसी लाइन में चल रहा था, देखा कुछ लोग ऐसे भी चलाते हैं, अभी देखो ज़बरदस्ती का अपनी लाइन में चलता हुआ, एक तो ये सिंगल रोड है मतलब आना भी इसी पे और जाना भी इस पे, अब सामने से वो गाड़ी वाला लेके भी अपने ज़्यादा तेज़ी में, खैर तो चलते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों पेड़ ना आपस में मिले हुए हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो ये ना बिल्कुल ऊपर से घिरा हुआ जैसे छत से ऐसी बनी हुई हो, मतलब गेट ही एक तरीके का, देखो पूरा ही रास्ता ऐसे ही हो भाई साहब, रात में हम इस रास्ते से आए कई बार तो थोड़ा सा डर भी लगता है क्योंकि एकदम सुमसान जैसा लगता है, भाई साहब ऊपर चढ़ा रखा और कितने पास पास से निकाल लें इनसे, बच के निकलना पड़ता है ज़रा सी देर में, इन्होंने तो मार दी, इनका कुछ बिगड़ेगा नहीं क्योंकि उनके पास होता है कोरा कोरा लोहा, सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ उनका होता है लोहा, और ज़रा सी गाड़ी में लग गई, इनके तो फाइबर होते हैं प्लास्टिक, बस स्क्रैच पड़ गई आप करते रहो, हाँ नहीं उनका कुछ जाएगा नहीं और हमारा कुछ बचेगा नहीं, यार बोलना उल्टा जी, चल मस्त रास्ता एकदम, देखते हैं यहाँ से नुमान भाई चलेंगे नैनीताल तो। अभी चलेंगे, ऐसा लग रहा है जला हुआ जैसे ट्रक, मुझे लग रहा है कहीं और हुआ होगा ये, तो इसको यहाँ से टो करके लेके जा रहे हैं, चल देखते हैं अभी क्या। वो भाई तो पूरा जला हुआ लग रहा है ट्रक, अभी यहाँ का नहीं कहीं और भी जला है, खतरनाक जला हुआ है, ओए खत्म हो रखी है बाइक, हाँ देखा तो खत्म ही हो रखी है भाई बाइक, ऐसा लग रहा है घुस गई जैसे ले आगे अंदर पूरी, खतरनाक एक्सीडेंट। तो भैया आप लोग भी चलो रोड पे सेफ चलो, देख के चलो, उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दुर्घटना से देर भली तो खैर फिलहाल सही है, शाम हो गई है और तकरीबन 5:15 का टाइम हो रहा है, हम लोग चल रहे हैं अमरोहा पहुंच गए, एंटर हो रहे हैं, बस ये फ्लाईओवर हमने अंदर क्रॉस करा तो हम अमरोहा आ गए। सो हमें यहाँ से राइट में लेके चलनी है, यहाँ पे साइकिल वाले भाई गए थे, ये पतली गली के अंदर लेके जाएंगे हम, पार्किंग है अंदर यहाँ पर बनी हुई, मतलब एक पार्क सा बना हुआ है, वहाँ पर बच्चे खेलते भी हैं तो जब नहीं खेलते तो गाड़ी पार्क होती है, तो और इस जगह का नाम है, दिखाता हूँ थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इस जगह का नाम है शेख चांद, वैसे लोग यहाँ पर शकचाया भी कहते हैं इसे, बाकी नाम इसका जो है शेख चांद है, ये जगह का मतलब ये जो पूरा बना हुआ है ना कॉलोनी, ये तो बिजली का वो है, तो खैर ये दिख रही है ना गाड़ी वगैरह खड़ी हुई हुई, यहीं पे लग जाएगी, हाँ तो यहाँ पर अपनी लग जाएगी गाड़ी। सो पुरकान मैंने अपनी गाड़ी लगा दी है, यहाँ पर लगा दी है तो खाली है अब यहाँ पर, वैसे ना वॉलीबॉल का मैच होता है यहाँ पर, ये दिख रहा है ना खंभा लगा हुआ है यहाँ पर और एक खंभा ही है, तो यहाँ वॉलीबॉल का मैच होता है जो फिलहाल अभी नहीं हो रहा है,
तो हमने लगा दी गाड़ी। फुरकान भाई तो शायद शाम में चले जाएंगे, हम लोग कल वाले जाएंगे, एक दिन हो सकता है एक दिन रुक के। तो बस चलते हैं अंदर, इधर से सीधा जाएंगे तो अपने घर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर मूंगफली है चाचा क्या? मूंगफली 150 ग्राम है। तो इनसे ले रहे हैं मूंगफली ना, अब दिख रही है। अच्छा, ये है कि इनके पास गुड़ की पट्टी, पट्टी नहीं है गुड़ पादे, हाँ ये टिक्की सी बनी हुई इसकी। अच्छा, ये 5 रुपए की है। ये बना के देते हैं, दाल दाल मिला के मिर्चे विर्चे डाल के मसाले। कल कितने बजे आओगे? कितने बजे आओगे? ये टाइम पे हम आए, आप दिल्ली से, हम दिल्ली चले गए सब। तुम्हारी आवाज़ नहीं भूलते। हाँ, आवाज़ सुन के भागते हो आ गए। और सब बच्चे वगैरह सब बढ़िया? हम जब बचपन छोटे थे तो ये जवान थे। अच्छा, और इन्हें तब से देखते हुए ठीक ये लो। पहले माशाल्लाह इनके गाल भरे हुए थे, अब गाल अंदर चले गए, इनके दांत चले गए। वक्त के साथ साथ वक्त के साथ सब बदल जाता है। सही बात है। तो ये लेंगे, तो हम लोग आ चुके थे और सामान वान रख दिया था आराम से, और नाश्ता वास्ता कर लिया था। जो काम था मतलब मेरा नहीं था, इमरान भाई का था, वो उन्होंने निपटा लिया है। और अब 10 मिनट में हम लोग वापस दिल्ली निकल रहे हैं। तो काफ़ी टाइम बाद में हम लोग आए थे अमरोहा, और तकरीबन महीनों बाद रैयान भाई से मुलाकात हो गई। एक गाड़ी पर दौड़ा देना। हाँ, तो काफ़ी अच्छा लगा रैयान भाई से मिलके। और बस हम लोग आए थे यहाँ पर कुछ घंटों के लिए, और हम थोड़ी देर में घर चलते हैं, थोड़ी देर में घर चलते हैं और फिर घर निकलते हैं, मतलब दिल्ली। काफ़ी सही रहा अमरोहा में। बस अब चल रहे हैं हम वापस, गाड़ी रेडी है, सामान डाल दिया इसमें, चलते हैं। ये गाड़ी तैयार, फुरकान भाई भी रेडी हैं और सामान वामान सब रख दिया है, चलते हैं। अब किसी और की चेसी और किसी और की बॉडी मिला के बड़ा ट्रक बना दिया। शाबाश जी, वीडियो का जो व्यू है वो अच्छा आ जाए, गंदा ना आए, और जी ताकि इससे थोड़ा सा साफ दिखेगा वीडियो भी। चलने का नाम नहीं ले रहा भाई, ट्रकों की लाइन लगी पड़ी है यहाँ से भी और पीछे तक। और ये हम कर रहे हैं, पानी डाल के साफ करता हूँ इसे। पानी दिखाना। देखो ये ना निशा पैलेस है, ये शादी का हॉल है, इमरान भाई की शादी हुई थी यहाँ पर। अभी दिखाता हूँ, देखो साइड में गाड़ी लगाई ना शीशा साफ करने के लिए, देख रहे हो कितना ज़्यादा जाम है वहाँ से। ये रोड रोड का दिख रहा है, साइड का वो भी नहीं दिख रहा। अब इन भाई को जरा ओवरटेक करते हुए हम निकलते हैं आगे, क्योंकि ये हल्के चला रहे हैं। सो हम लोग पहुंच गए अपने फर्स्ट टोल पर, मतलब वापसी आते हुए अमरोहा से। ये दिल्ली से आते हुए हमारा सेकंड टोल पड़ा था, और वापस दिल्ली जाते हुए हमारा फर्स्ट टोल है। सेकंड टोल पड़ेगा मतलब आगे जाकर क्या बोल रहा हूँ, हाँ गढ़गंगा वाला है। गढ़गंगा क्रॉस करने के बाद है। सो हम लोग आ गए हैं अपने सेकंड टूल बोथ पर, जो रास्ते में पड़ता है, और इसका नाम ये लिखा हुआ है छरजर्सी फ्री पी प्लाजा वेलकम। तो खैर ये है, और ट्रकों की लाइन वो तो खैर होती है, लेकिन जाते हुए हमें इतनी देर भी नहीं लगी थी। हमें टोल क्रॉस करने में 2 ही मिनट लगे थे, क्योंकि सुबह में आए थे और इरादे से आए थे रुकने के, और अब जो है डायरेक्ट हो रही रात में वापसी हो रही। देखो भाई ने गाड़ी रात राइट लेफ्ट ले ली, और बढ़ा दी ले जाके वहाँ ट्रक के आगे। सो पहुँच गए हम लोग घर, ऑलमोस्ट 1 बज गया है, 1:30 हो रहा है, मतलब 1 बजने वाला है। तो काफ़ी सही रहा, ऐसे तो हम लोग गए थे एक दिन रुकने के लिए अमरोहा, और अब जो है रात में वापसी आ गए, तो ठीक है काफ़ी मज़ा आया। तो बस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो देखते रहें।